kelaya, daki ada kelaya, daki ada kelaya, daki ada kelaya. अरे नहीं नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ डैंग भी लाया। अब आप सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, पर चाचा जी आप नहीं तो कब है? शहर शहर तो सब कुछ आसानी से मिल जाता, पर ये गांव का लोग कब तक राह तकता रहेगा कि कब बैंक गांव में आएगा, कब हमारा खाता खुलेगा और कब हमारी भी जेब में होगा बैंक। तो लो, भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, भारतीय डाक की IPPB के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। डाकिया बैंक लाया, बैंक लाया, डाकिया बैंक लाया, ओ डाकिया बैंक लाया, बैंक लाया, डाकिया बैंक लाया, गांव गांव तक डिजिटल इंडिया का पयाम लाया। देश के ग्रामीण इलाकों में बैंक है 49,000 और पोस्ट ऑफिस है 1,30,000, मतलब कि बैंक के नेटवर्क से 2.5 गुना बड़ा नेटवर्क। और डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक हैं देश में 3 लाख, मतलब कि अगर ये सब ठान लें तो इंडिया को कैशलेस बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भाई मोदी जी का भरोसा है, किसी भी हालत में निभाना जो है। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था, वक्त बदल चुका है, अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। डाकिया बैंक लाया, बैंक लाया, डाकिया बैंक लाया, बैंक लाया। इंदर की बोले की चमेली की बारी है, सबका खुले खाता ये मेरी जिम्मेदारी है, सेविंग करेंट बोलो ये किसकी क्या तैयारी है, आधार को भूलना नहीं इससे रखनी यारी है, बिल जमा करवा दो चाहे पैसे घर भिजवा दो, घर के ही तुम बैंक को बुलवा दो, छोटे तुम बड़े हो जाओ करो इंतजार, छोड़ो मजबूरी भैया ले लो लोन ए बार। ओ, फोन में तेरे ये सब कुछ ऐ सोमनाथ लाया। ये सब डाकिये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, फाइनेंशियल उत्पाद और सेवाओं की ट्रेनिंग लेकर, स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर, मतलब कि चलता फिरता बैंक लेकर, जरिए ढेर सारे ढूंढ निकाले हैं, काउंटर सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, SMS और IVR, पर जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह गए उन तक अब बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है। बस गाँ गाँ तक डिजिटल इंडिया का पयाम लाया, पिछड़े हुए हम सब तक सबका विकास लाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। पोस्टल डिपार्टमेंट, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट का नेटवर्क सबसे बड़ा होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट का नेटवर्क जो है वो गांव-गांव तक फैला हुआ है। तो भारत सरकार ने एक नई पहल करते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया,
और आज पूरे देश में इसकी लॉन्चिंग हो रही है और ये चंबा की लॉन्चिंग है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे चीफ गेस्ट माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी हैं। मैं एक बार फिर से इनका स्वागत करता हूं। मैं माननीय हंसराज जी से गुजारिश करूंगा कि वे दीप प्रज्वलित करके इस लॉन्चिंग का विधिवत श्री गणेश करें। माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष, मातरं वन्दे भाषिणी सुखदा चलेगा और उसके बाद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है वो अपना संबोधन देंगे, लेकिन उससे पहले आगे देखते एक वीडियो क्लिप। हमारे से कार्यक्रम के गेस्ट ऑनर माननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र के पवन नैयर जी भी मंच पर आसीन हो चुके हैं। हम इनका भी उनकी गहराइयों से पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब मैं एक बार फिर से श्री यशपाल सिंह सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से गुजारिश करूंगा कि माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को मौके पर सम्मानित करने की कृपा करें। थैंक यू।
और साथ ही ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, ये क्या है, ये किस तरह की सुविधाएं लोगों को देगा, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें श्री यशपाल सिंह जी। माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी मंच पर विराजमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भैरव जी, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस डॉक्टर मोनिका जी, एडीसी मैडम जी व मंच पर विराजमान अन्य अधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं व स्टाफ के कर्मचारी, आज माननीय उपाध्यक्ष जी ने तथा विधायक जी ने अपना कीमती समय निकाला है और इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में हमारे बीच पधारे हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, इनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं मंच पर विराजमान सभी अधिकारियों का भी वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, विशेषकर जिला प्रशासन का, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग दिया है। आज डीसी साहब कहीं मौके पर बाहर गए हैं, टूर पर हैं, वो नहीं आए हैं। मैं उनसे तथा एडीएम साहब से मिलने के लिए अभी दो तीन दिन पहले ही गया था, तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। हमें जिला प्रशासन की ओर से भी पूरा सहयोग मिला है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ तथा इनका स्वागत करता हूँ। डाक विभाग जो है ये एक बहुत पुराना विभाग है, सन 1854 में इसका जन्म हुआ था, तो लगभग 164 साल पुराना विभाग है ये। आज भारतवर्ष में 155 डाकघर, 155,000 पोस्ट ऑफिस स्थापित हैं, जिनमें से 130,000 पोस्ट ऑफिस जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। शेष 30,000 के लगभग जो पोस्ट ऑफिस हैं वो शहरी क्षेत्रों में हैं। तो रामपुर शहर जो है उसमें एक हिक्किम पोस्ट ऑफिस जो है वो 14,500 हाइट के ऊपर स्थित है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि डाक विभाग ने जनता को अच्छी सेवाएं देने के लिए समय समय पर बहुत सी योजनाओं को शुरू किया था, जिन इसी कड़ी में आज एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारम्भ होने जा रहा है, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ी ही देर में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में 650 ब्रांचों में तथा 3250 एक्सेस पॉइंट में ये सेवा शुरू होने जा रही है और चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष के 155,000 डाकघरों में ये सेवा जो है 31 दिसंबर 2018 तक शुरू हो जाएगी। पोस्ट पेमेंट बैंक का सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सन 2016 में इसके बारे में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बताया था, जो आज 1 सितंबर 2018 को पूरा होने जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये लोगों को, खास करके ग्रामीण इलाके के लोगों को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें घर द्वार बैंक जो है उसकी सेवा शुरू हो जाएगी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे छोटे छोटे काम हैं, जैसे हमारे किसान लोग हैं उनको पैसे लेन देन के लिए बड़े दूर जाना पड़ता है, बैंकें हर एक जगह स्थापित नहीं है, तो उनको घर में ही बैंक की सुविधाएं मिलना
शुरू हो जाएंगे और ये पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता जीरो बैलेंस से शुरू होगा, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक आधार कार्ड से ही ये खाता जो है वो खुल जाएगा। तो ये डाक विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों के लिए इसका और फायदा भी बड़ा हुआ, खास करके जिला चंबा में, क्योंकि यहाँ पर मनरेगा का बहुत कार्य है तथा सोशल सिक्योरिटी के पेंशनर भी बहुत हैं। उनको जैसे कोई किसान खेतों में काम कर रहे हैं तो हमारा डाकिया जो है खेतों में ही उनको पेमेंट करेगा, भुगतान करेगा, सोशल सिक्योरिटी पेंशन इत्यादि या मनरेगा की उनको डाकघर में आने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी इसका लॉन्च जो है वो दिल्ली से करने जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल में विस्तार से वो अपने आप इसके बारे में बताएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, क्योंकि टाइम का अभाव है, अगले प्रोग्राम साथ में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का होने आने वाला है, तो मैं पुनः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, MLA साहब का व सभी अधिकारियों का, सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय हिंद। शुक्रिया सुब्रमण्य साहब। और अब इसके बाद में सादर आग्रह करना चाहूँगा चंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री पवन अय्यर जी से कि वे इस मौके पर हम सबके सामने अपने बहुमूल्य विचार रखने की कृपा करें। श्री पवन अय्यर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष आदरणीय जी, SP साहब, KDM साहब, KDC साहब, CMO साहब और डाकघर के अधीक्षक श्री यशपाल सिंह जी, सभी डाक विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित, जनता और प्रेस से आए मेरे सभी बंधु, आज भारत को आज़ाद हुए तकरीबन 70 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी देश की 20% जनता जो है वो बैंकिंग की सुविधा से महरूम है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने पहले भी एक जनधन योजना चलाई थी और उसमें गरीब लोगों के, किसानों के ने जो अपने खाते खोले थे, परंतु फिर भी कुछ लोग उसमें रह गए थे क्योंकि लोगों ने, अगर कोई बैंक में जाए तो लंबी लाइनें लगी होती थी और इससे छुटकारा पाने के लिए वो बैंक में जाते नहीं थे। तो अभी आज जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है आज इन्होंने आज ये स्कीम जो है लॉन्च होने जा रही है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और समस्त जनता को इसका मुबारकबाद देता हूँ। सेंट्रल में मोदी सरकार और हिमाचल प्रदेश में जो है जयराम ठाकुर जी की सरकार है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैस कनेक्शन गरीब लोगों को फ्री दिए और इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर 5 लाख तक, अगर कोई किसी की भी फैमिली बीमार हो जाए तो 5 लाख तक फ्री ये इसकी उसका इलाज होगा और जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है उसमें भी वो खाता जो है उसमें पैसे जाएंगे। बिजली, अगर किसी के कोई भी घर, चाहे वो कितना भी दूर होगा, अगर वहाँ लाइट नहीं है तो ये लाइट की सुविधा भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है की जाएगी। कल विधानसभा का आखिरी दिन था और उसमें के हमारे जो सीनियर लीडर है महेंद्र इसके मंत्री ठाकर महेंद्र सिंह जी, उन्होंने पूरे सदन में ये कहा कि मैंने बड़े मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया है, उसमें राजा वीरभद्र सिंह के साथ भी काम किया, शांता जी के साथ भी काम किया, धुमो जी के साथ भी काम किया, सागर रामला जी के साथ भी काम किया, परंतु मैंने ऐसे मुख्यमंत्री देखे पहली बार होगा कि 8 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 6500 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न योजनाओं के लिए लाया हुआ है, ये एक रिकॉर्ड है। और ये वो भी किसी विशेष विधानसभा के लिए नहीं, थार विधानसभा के लिए उन्होंने ये पैसा लाया है, ये हमारे मुख्यमंत्री की सोच है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आगे 2 महीने में देखना,
ये सेंटर से कितना पैसा लाते हैं। तो ये जितनी भी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी स्कीमें हमारे हम प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल हिमाचल जो भी हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं वो पैसा वहां से लेके आते हैं। मैं अभी सेशन से पहले भी मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने कहा कि चंबा में हमारे जितने भी किसान आते हैं उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 64 लाख रुपया सेंक्शन कर दिया, पैसा चंबा पहुंच भी गया और राजपुरा में जो किसान भवन बनने जा रहा है इसके पर बहुत जल्द सेंटर लग जाएंगे और पैसा भी उन्होंने इश्यू कर दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे जो सेंटर में प्रधानमंत्री और हमारे हिमाचल में जो हमारे मुख्यमंत्री है जयराम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हमें आज तक नहीं देखे। इसके साथ ही जो डाक विभाग ने भी कल यहाँ रैली निकाली थी ये भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और लोगों को कल भी इन्होंने समझाया इसके बारे में, बैंक के बारे में सारी चीजें समझाई कि जितने भी ये आज डाकघर के कर्मचारी या डाकिये लोगों के घर में जाके पैसा भी देंगे और खाता भी खोलेंगे, ये पूरी सुविधा जो है हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमने आज तक हमने बड़े बड़े आप लोगों ने भी देखा होंगे, ये कभी नहीं हुआ कि किसी को फ्री गैस कनेक्शन दे देना, ये किसी को जब कोई बीमार हो जाए तो 5-5 लाख रुपये उनको दे देना, आज तक कभी नहीं हुआ। तो हम मुख्यमंत्री जी और जयराम ठाकुर जी के भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर जो डाक विभाग द्वारा ये चंबा में जो ये बैंक खोलने जा रहे हैं इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं फिर से डाक विभाग के अधीक्षक और सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें अपनी ओर से और समस्त जनता की ओर से इस बैंक के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय चंबा, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब हम सबको अपने आशीर्वचनों से नवाजने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित है माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंस राज। महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ITB में हमारे साथ स्थानीय सदर के विधायक भाई नैयर जी, पोस्टल ऑफिस से यशपाल जी अधिकारी, इनकी समस्त टीम, ADM चंबा, SP चंबा, DPRO साहब, विभिन्न प्रधान, BDC मेंबर, जिला परिषद से आए हुए साथी, भाई बख्शी जी, भाई हैप्पी जी, जसवीर जी नागपाल और सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता, नागरिक और मीडिया से जुड़े हुए सभी चैनलों के, सभी अखबारों के प्रिय बंधु भगिनी, आज सच में महसूस हो रहा है जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई 40 सालों तक लड़ती रही और श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह का एक उत्कृष्ट प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में सोचा और उनका ये मानना था कि जो लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो अंत्योदय की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस चीज के लिए हम लोग लड़े हैं इतने सालों से, आम गरीब को उसका हक मिले। भाई नैयर ने ठीक कहा कि जनधन से तो हमने कोशिश की थी कि हम लोगों तक पहुंचे और हर व्यक्ति को लगे कि हमारा भी एक खाता हो सकता है, हमारा भी एक अकाउंट हो सकता है, हम भी जो है वो एक सामान्य नागरिक की तरह जो है वो भाई एक मिनट हम भी सामान्य नागरिक की तरह जो है वो खाते खुलवा सकते हैं और इस चीज को चलवा भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है
लगभग 155,000 पोस्ट ऑफिसेस हैं हमारे इस हिंदुस्तान में और लगभग 3,00,000 पोस्टमैन जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जहां तक ई पेमेंट या पेमेंट को पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था या लोगों को दूर दराज से आ करके बैंकों की राह जो है वो देखनी पड़ती थी और बैंक कर्मियों का और बैंकों का क्या रवैया होता था वो आम जनता आप सब लोग जानते हैं। इस बार मैं पिछले लगभग 7-8-9 सालों से राजनीति में हूं, सक्रिय राजनीति में। जिस विधानसभा क्षेत्र या जिस जिले से मैं संबंध रखता हूं वो जिला आप लोगों का है, आप लोग जानते हैं हमारी क्या वेटेज है और हम कहां स्टैंड करते हैं, कितनी सरकारें आई और कितनी चली भी गई, बहुत से नेता आए भी और चले भी गए, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग और श्रद्धेय जयराम ठाकुर जैसे लोग जिन्होंने गरीब को गरीब समझना शुरू किया और गरीब को किस तरह से रिलीफ दिलवाई जाए इसमें काम करना शुरू किया। और मैं तो अपने आप में खुश हूँ, पोस्ट ऑफिस वाले खुश हुए होंगे, वरिष्ठ नागरिक भी खुश हुए होंगे, लेकिन मुझे भी इस बात की तसल्ली है कि जिस बैंक को मैं हिमगिरी में खुलवाना चाहता हूँ, जिसको मैं कलहेल में खुलवाना चाहता हूँ, जिसको मैं लाश देवी कोठी या लाश हडसर में या लाश चौड़ी के लास्ट पॉइंट में, आज वो सुविधा जो है वो घर द्वार तक पहुंचेगी, आज ये जो सुविधा है आप सब लोगों तक पहुंचेगी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम व्यक्ति का दर्द समझा है, आम व्यक्ति की रूह को जो है वो तसल्ली देने की कोशिश की है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम ने लोगों तक रोजगार पहुंचाया था और उसके साथ जो है वो पेमेंट, मान लो अब हमारा पुखरी का या हमारा लास्ट सिंगी पंचायत का या कहीं धरवाला से व्यक्ति जो है वो मनरेगा में काम करता है उसको अपनी 2,000 या 1,000 की पेमेंट लेने के लिए चंबा बाजार में आना पड़ता है। एक तो उसका किराया खत्म होता था, दूसरा उसका समय वेस्ट होता था और जरूरी नहीं होता था कि बैंक से उसको उसी दिन पैसा मिले, ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। मुझे लगता है जिस तरह से पोस्ट ऑफिस ने इतने वर्षों में, अब हम इनके इतिहास के बारे में जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस महकमा एक ऐसा महकमा रहा है जो एक एक बंदे को गांव में जानता है और एक एक बंदे तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता था और एक एक बंदे के साथ न्याय हो ये भी तय करता था। तो इस तरह का जो प्रयास है मुझे लगता है, मैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपने पोस्ट ऑफिस के सभी आला अधिकारियों को, कर्मचारियों को और श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके प्रयासों से आज चंबा के दूर दराज के इलाकों में भी वो सुविधाएं मिलेंगी, ई बैंकिंग, ई पेमेंट, ये सारी सुविधाएं वेब पोर्टल पे, ये छोटी छोटी चीजें होती है, समझने की छोटी सी चीज है, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे ही ये सारी सुविधाएं हम टाइम टू टाइम जो है वो सब लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक हम लोगों को किसी ने नहीं सिखाया, मैं देखता हूँ बड़े वरिष्ठ नागरिक भी जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक का भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोगों के साथ जो संबंध बिछड़े थे उनको जोड़ने का काम करा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने चंबा वासियों को ये भी कहना चाहूँगा कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग का ये जो सिस्टम चला है, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, जैसे सुबह इनके आला अधिकारी सर्किट हाउस में आए थे, इन्होंने कहा कि हम जो है वो हर गांव तक पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपकी चिट्ठी आपके घर तक पहुँचती थी वैसे आपकी पेमेंट जो है वो एक पोस्टमैन के माध्यम से आपके घर में पहुँचने वाली है। इससे बड़ी योजना और कोई हो नहीं सकती। आप कमाई करें और कमाई टाइम पे घर तक ना पहुंचे तो वो व्यक्ति के लिए बड़ा हतोत्साहित करने वाला विषय होता है। तो मेरे आप सभी से यही गुजारिश है, पूरे चंबा वासियों से, कि हम इस सिस्टम को समझें,
जो बैंकों की दादागिरी चली रहती थी कि भाई खाता खुलवाना है तो घर में आओ, वहीं बैंक में आओ, और फिर मर्जी हुई तो कैश दिया, मर्जी नहीं हुई तो नहीं भी काउंटर पे टिकने दिया। हम तो जब खुद पढ़ते थे तो एक ड्राफ्ट बनाने के लिए, ये आईपीओ सिस्टम नहीं होता, मुझे आज भी वो याद है, वो अपना टाइम जब हम छोटी छोटी फॉर्म भरते थे तो बैंक वाले बोलते थे कि भाई तुम्हारा जो है वो ड्राफ्ट अब काज खत्म हो गया, तुम जाओ। और हम दौड़ के यहाँ आते थे, मैं यही पढ़ा हूँ तो हम यहाँ आते थे, आईपीओ से अपनी सारी जो है वो जरूरतें पूरी करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का ही प्रयास है, माननीय हमारे जयराम ठाकुर जी का ही प्रयास है कि आज जो है वो चंबा जैसा बैकवर्ड जिला भी उन सब जिलों में शामिल हो रहा है, अखंड भारत में, पूरे भारतवर्ष में आज जो है वो इस योजना की जो है वो शुरुआत की जा रही है। थोड़ी देर में हम डिजिटल माध्यम से देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से लॉन्चिंग करते हैं पूरे भारतवर्ष में। थोड़ा हम लोग उस तरह से व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इस चीज़ का अफसोस है हमें, लेकिन अगर पर्सन थोड़ा खींच खांच लेंगे तो थोड़ी और पिक्चर साफ हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और डबल पर्दा पीछे लगेगा तो मुझे लगता है जो टेक्निकल लोग हैं इसको भी दुरुस्त कर ही लेंगे, हो सकता है, मेरे ख्याल भाई हम बोल रहे हैं एक्सपर्ट है ये। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं आप लोगों को बधाई और मुबारकबाद भी देता हूँ। आप लोगों ने बाकी योजनाओं का तो माननीय विधायक जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की है। चंबा मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग की का जो काम है वो हम जो है वो फौरी तौर पर, कल परसों हम बैठे थे, माननीय विधायक जी भी बैठे थे, भाई विक्रम जी, जरियाल जी, अलाल जी, हमने कोशिश की है कि एक आध महीने में बिल्डिंग का काम सरौल में शुरू हो, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो डबल लेन पुल बन रहा है उसका भी जल्दी से जल्दी काम हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भरमौर और पांगी के लिए आए तो इसका भी हम लोग उद्घाटन करवाएं। हमारा प्रयास ये भी है कि चंबा जिला जो हमारा ये जो डिग्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है इसको जो है वो हम एक ऐसा कॉलेज बनाएं जो हब हो एजुकेशन का, जो लगते हुए कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस जो सिर्फ शिमला में है, जो हमारा एक गर्ल्स कॉलेज है, उसी तर्क पे मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है वो चंबा में भी एक कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाएं, और इसकी पेरिफेरी में जिस तरह से धरवाला में या इधर लिल में कॉलेज खुला है, एक हम कॉलेज मसरूड में खोलें ताकि सराउंडिंग का जो हब है वो बने, और चंबा भी अन्य जिलों की भांति या प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उनकी तरह हम लोग जो है वो रफ्तार पकड़े। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि चंबा जिला को मेडिकल सुविधाओं के माध्यम से, जिस तरह से गवर्नमेंट हमारा ये मेडिकल कॉलेज चल रहा है उससे जो है वो बच्चे जो मरीज जो है वो टांडा या पीजीआई आईजीएमसी रेफर ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारी कोशिश जारी है। माननीय विधायक साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और यहाँ पर हमें सभी अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि हम इस चंबा को बड़ा अच्छा चंबा बनाने की कोशिश करेंगे। जो नाम एक टाइम राजाओं के टाइम में था, जिस चंबा को लोग इसीलिए जानते थे कि एक टाइम दिल्ली में लाइट होती थी, आपके चंबा में लाइट होती थी, मतलब शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, सिर्फ यही वो चंबा चंबा भाई, हम लोग तो आज अपनी पूरी औकात ही बिसरी गए थे, नेता जी तो बड़े पूज्य दे लोग थे, ये तो लोगों ने राजनीति की वजह करने से जो पीछे छोड़ा है। अपनी शक्ति को पहचानो, मैं तो रोज बोलता हूँ किसी को कोई हक देता नहीं है, हक लेने पड़ते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है आम जनता से भी, मीडिया के माध्यम से भी, देखो सरकारें उसी की सुनती हैं जो सुनवाते हैं, नहीं तो लोग तो टाइम पास पिछले बड़े दशकों से कर रहे हैं और कुर्सियां जो है घिसते रहते हैं, कर्मचारी अधिकारी भी मजे लेते रहते हैं क्योंकि उनको भी कोई लड़ा देना नहीं होता। इसीलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि थोड़ा आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और इस चंबा के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि हंसराज पे बारी आई है भाई, हंसराज चुरा से आता है, हमने क्या लेना देना हंसराज से, या नैयर पे बात आई है, नैयर तो यहाँ सुराड़ा से आते हैं, हमने क्या लेना नैयर से। व्यक्ति को जिताना महत्व नहीं रखता है, वोट दे दिए ये महत्व नहीं होता है, उसको पूछो, उसके साथ चलो, उसके लिए बात करो,
उसके लिए प्रदर्शन भी करने पड़े तो करें। मैं इसीलिए आप लोगों से आज यही निवेदन करने आया हूं, अगर हम ऐसे सोते रहेंगे तो लोग रोज मणि महेश की यात्रा करते रहेंगे, आप लोग धूल फाड़ते रहेंगे और वही कंजस्टेड जो है वो रोड ऐसी बनी रहेगी, बार बार डंगा जो है वो नीचे बारगा से नीचे जाता रहेगा और हम डंगे देते रहेंगे, ऐसे ही सिस्टम चलेगा। तो हम डंगे देने के लिए नहीं आए, व्यक्तिगत हंसराज नहीं आया है इसके लिए। हम राजनीति में इसीलिए आए हैं कि शोषण हुआ है चुरहा का भी और चंबा का भी, और जब तक चंबा का हक चंबा के लोगों को नहीं मिलता तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे और ना कोई विश्राम से। ठीक है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये वाजपेयी साहब के शब्द हैं, इनको रोज हम फॉलो करते हैं और ये भी कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो हमारी कहती है भारतीय जनता पार्टी कि अंत्योदय की भावना से जो लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको किस तरह से फ्रंट पे लाना है, किस तरह से उसको मजबूत करना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई है और उसी पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है, चंबा भी आगे बढ़ेगा और आपके शिकरी में भी सीमेंट का प्लांट होगा, नहीं तो लोगों ने तो वोटों के लिए रोज मुद्दा बनाया हुआ था और अभी अक्टूबर में हम करवा रहे हैं और आपके सामने करवाएंगे विद पब्लिक की सपोर्ट से और पब्लिक के सहयोग से। मैं एक बार फिर से आज इस बड़े भव्य कार्यक्रम में बधाई देता हूँ अपने पोस्ट ऑफिस के सभी आला अधिकारियों को, कर्मचारियों को और मीडिया के लोगों को और साथ ही साथ जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, एसपी मैडम को और सभी को कि आप सब लोग आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी लॉन्चिंग करेंगे, मुझे लगता है हम सब लोग बैठ करके एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। बहुत शुक्रिया माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय। 3:10 का समय हो गया है और जो नेशनल लॉन्च इवेंट है जिसे नई दिल्ली के तालकटोरा कटोरा स्टेडियम जो है वहाँ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे 3:15 और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा। 3:15 हम स्विच ओवर करेंगे और ऑडियो विजुअल जो माध्यम है उसके जरिए हम ये देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली से पूरे देश के लिए इस योजना का श्री गणेश किस तरह से कर रहे हैं। आज बड़े साधुवाद का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो हमने शुरू किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो कर रहे हैं इससे लगभग हमारे पूरे भारत में 155,000 के जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर लगभग 3 लाख हमारे पोस्टमैन जो हैं वो ये सुविधाएं जो हैं वो घर घर तक पहुँचाएंगे। मैं समझता हूँ ये अंत्योदय की भावना से चलने वाला कार्यक्रम है जिसके लिए अटल जी बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है और हिमाचल के इस अति पिछड़े एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का कार्यक्रम चला है और मैं समझता हूँ जहाँ तक बैंक नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक हमारे ये पोस्ट ऑफिसेज के जो पोस्टमैन हैं वो पहुँचेंगे और लोगों को घर घर में सुविधाएं देने का वादा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था वो आज उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। गरीब जो है इस योजना से क्या लाभ मिल सकता है? ऐसा है, देखिए हर पोस्टमैन के जेब में एट अ टाइम जो है वो 20 से 25,000 रहेंगे। इनको जो है वो एक यूनिक जो है वो कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उनको खाता संख्या और इवन अपना नंबर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। उस कार्ड के माध्यम से जो है वो पैसा जो है वो जनरेट करवा पाएंगे, अपने खाते में उसके पैसे होंगे। तो जो पोस्टमैन हमारा गाँव में जाता था वो भी वहाँ पर छोटी से बड़ी पेमेंट जो है वो कर पाएगा। सर अभी आपने कहा एक्समेंट प्लॉट के लिए, तो क्या बीजेपी का क्या ये मुद्दा है या जो आने वाले विधानसभा 19 के जो चुनाव है उसमें रहेगा? सर नहीं, पहले मुद्दा रहा होगा लेकिन जब से माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार बनी है और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है और चंबा में जब से 4-0 हुआ है तो आप विश्वास रखिए हम अभी जो है वो फाउंडेशन अगले मंथ जो है वो करने ही जा रहे हैं और लोगों की सहभागिता से, साझेदारी से
यहीं पे फैक्ट्री स्थापित करेंगे, फैक्ट्री यहीं पे स्थापित होगी और उस तरह से हम सीमेंट प्लांट चलाएंगे। सीमेंट प्लांट की तो आपने बात कर, पर क्या ये कहूँगा क्योंकि आपकी इतनी उम्र हो गई है और आपने रोजगारे ही सुने हैं लोगों के, और ये 35 साल का व्यक्ति जो है वो राजनीति में इसीलिए है अभी दूसरी बार कि हम इस चंबा को बदलना चाहते हैं सच में, और इकोनॉमिकली जो है वो इसको साउंड करना चाहते हैं। तो ये गप नहीं है, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे या अगर नहीं है। सर आपने लास्ट में आपने अभी चुनाव और चंबा की बात की, क्या ये दोनों आपस में मिलके काम करेंगे जैसे विधायक किया? तो कौन सा विवाद आपको लगता है? विवाद तो बड़े भाई है हमारे, 66 साल के व्यक्ति हैं, मैं 35 साल का बंदा हूँ, मैं तो इनसे सीख ही रहा हूँ पुराने राजनीति में। ये बात अलग है कि दो बार कांग्रेस से ट्राई की, वहाँ से कांग्रेस के लोगों ने इनको नहीं जिताया, लेकिन हम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरा साथ दिए ही है और आज ये माननीय विधायक है और सदर का काम जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं और कंधे से कंधा मिला करके हर एक विधायक जो है वो साथ दे रहा है और देना भी चाहिए। अगर ऐसे ही लड़ते रहे या कुछ ऐसी स्थिति बनी तो फिर चंबा जैसे था वैसे ही रहेगा। सर एक बार कंधा मिला दें प्लीज़ पूरा। थैंक यू सर। सर आप आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 650 ब्रांचों में तथा 3250 एक्सेस पॉइंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लोगों को घर द्वार पर बैंक की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि नेट बैंकिंग है या मनी ट्रांसफ़र है, या जैसे चंबा जैसे ज़िले में ज़्यादा करके सोशल सिक्योरिटी की पेंशन का भुगतान लोगों को घर द्वार पर मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे मनरेगा का भुगतान है वो भी घर पर मिलना शुरू हो जाएगा। किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो उनका अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय उनको सेवाएं जो हैं भुगतान जो है घर में मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे माननीय उपाध्यक्ष मोदी ने बताया कि डाकिये के पास हम पर्याप्त राशि जो है वो दे के रखेंगे ताकि लोगों को मौके पर भुगतान कर सकें तथा लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। कब से शुरू होगा ये तो आज से ही शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इसका आपके फील्ड में कब से जाएंगे लोग? फील्ड में हमारे चंबा जिले में अभी फिलहाल इसके पांच केंद्र हैं, जैसे चंबा, सुल्तानपुर, कीड़ी, उदयपुर और कोलड़ी, इनमें जो है आज से ही शुरू हो जाए। इसमें स्टाफ की तैनाती भी आ रही है? स्टाफ की इसमें अभी तक तो कोई तैनाती नहीं होगी, जो हमारे डाकघर के कर्मचारी हों इनके द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया IPPB मोबाइल ऐप को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें, टैप को टच करके। मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO, सेक्रेटरी पोस्ट, IPPB के तमाम साथी यहाँ उपस्थित, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश भर के 3000 से अधिक सेंटर्स पर पोस्टल विभाग के हजारों कर्मचारी और अन्य भी वहाँ के नागरिक, और जैसा हमारे मनोज जी ने बताया करीब 20 लाख लोग इस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ कई राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र के मंत्रिपरिषद के हमारे साथी, राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, ये सब भी वहाँ मौजूद है। मैं उन सब का भी इस समारोह में स्वागत करता हूं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी IITian है और IIT में पढ़े लिखे होने के कारण वो स्वभाव से हर चीज में टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं और इसलिए ये समारोह भी
टेक्नोलॉजी से भरपूर है, साथ साथ ये इनिशिएटिव भी टेक्नोलॉजी वाला है। और मनोज जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। उनका अपना टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण बहुत ही उत्तम प्रकार के उनके इनपुट्स मिले और उसका नतीजा है कि आज देश को एक बहुत बड़ा नजराना मिल रहा है। और आज 1 सितंबर देश के इतिहास में एक नई और अभूतपूर्व व्यवस्था की शुरुआत होने के नाते याद किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के हर गरीब सामान्य मानवी तक, देश के कोने कोने तक, दूर दराज के पहाड़ों पर बसे लोगों तक, घने जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों तक, दूर किसी द्वीप में रहने वाले कुछ समूहों तक, यानी एक एक भारतीय के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, एक प्रकार से आज वो मार्ग इस प्रारंभ से खुल गया है। इस नई व्यवस्था के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया और आज इस इनिशिएटिव से हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे पर पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। आपका बैंक आपके द्वार, ये सिर्फ एक घोषवाक्य नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के 650 जिलों में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं प्रारंभ हो रही हैं और हमारी चिट्ठियां लेने वाला डाकिया अब चलता फिरता बैंक भी बन गया है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने यहां एक प्रदर्शनी देखी, क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे काम होना है, इस बारे में विस्तार से मुझे बताया गया और हो सकता है वो आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा। और जब मैं इसे देख रहा था, वहां जो विशेषज्ञ थे जो मुझे इस सारी योजना का खाका समझा रहे थे, और तब मैं एक विश्वास, मेरे भीतर एक आत्मसंतोष का भाव जग रहा था कि ऐसे साथियों के साथ रह करके उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका ये प्रयास जरूर नया रंग लाएगा। और मुझे याद है कि एक जमाना था और डाकिये के संबंध में मैं समझता हूं हमारे यहां बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा, लेकिन डाकिये के प्रति कभी विश्वास नहीं था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो लोग ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे उनको पता होगा कि दशकों पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो उसके हाथ में एक भाला रहता था। भाले पर एक
गुंगरू बंधा रहता था, बेल बंधा रहता था, और वो चलता था तो गुंगरू की आवाज आती थी। एक गांव से दूसरे गांव जब डाकिया जाता था और गुंगुर की आवाज आती थी तो उस इलाका कितना ही घना हो, कितना ही दुर्गम हो, कितना ही संकटों से भरा हो, डकैत हो, आते हो, जाते हो, चोर लुटेरे रहते हो, लेकिन जब गुंगुरू की आवाज आती थी, ये डाकिया है, कोई चोर लुटेरा उनको परेशान नहीं करता था। उन चोर लुटेरों को भी पता था कि डाकिया किसी गरीब मां के लिए मनी ऑर्डर लेके जा रहा है। आपको मालूम होगा, अभी तो एक घर में पता, हर कोने में शायद घड़ी पड़ी होगी, लेकिन पहले गांव में शायद एक आध टावर हो तो घड़ी होती थी, वरना घड़ी कहां होती थी। और मैं उस जिंदगी जी करके आया हूं तो मुझे मालूम है कि जो बुजुर्ग लोग अपने घर के बाहर बैठे रहते थे और जरूर पूछते थे, डाकिया आ गया क्या, शायद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होगा जो दिन में दो चार बार ये पूछता ना हो, डाकिया आ गया क्या। लोगों को लगता होगा कि क्या उनकी कोई डाकाने वाली डाक तो आती नहीं, लेकिन वो डाक के लिए नहीं पूछता था, उसे मालूम था कि डाकिया आ गया मतलब घड़ी में इतना टाइम हुआ होगा। यानी समय की पाबंदी, डाकिया आया कि नहीं आया, इसके आधार पर हमारी समाज व्यवस्था में तय होती। और इसलिए एक प्रकार से डाकिया हर परिवार से एक इमोशनल कनेक्ट चिट्ठियों से जुड़ा होता था, और इसलिए डाकिये को भी समाज में एक विशेष स्वीकार्यता और सम्मान प्राप्त था। आज के इस युग में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन चिट्ठियों को लेकर के डाकिया जो भावना, जो विश्वसनीयता पहले थी, आज भी वैसी ही है। डाकिया और पोस्ट ऑफिस एक प्रकार से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारी फिल्मों का, हमारे साहित्य का, हमारी लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम सभी ने अभी जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे थे, डाकिया डाक लाया, ऐसे गीत दशकों तक लोगों को अपने जीवन का हिस्सा लगते रहे हैं। अब आज से डाकिया डाक लाया के साथ साथ डाकिया बैंक भी लाया है। दशकों पहले मैं एक बार कनाडा गया था तो मुझे कनाडा में एक फिल्म देखने को मिली थी, मुझे आज भी याद है, उस फिल्म का नाम था एयर मेल, और बहुत सचमुच में रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म है, डाकिये डाक के ऊपर है। और हमारे जीवन में अपनों की चिट्ठियों का जो महत्व है वह इस फिल्म की कहानी का आधार था। और फिल्म में एक हवाई जहाज था जिसमें चिट्ठियां जा रही थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था उसमें जो चिट्ठियां थी उसको बटोर करके उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कथा उस मूवी में है, किस प्रकार से उन चिट्ठियों का जतन किया गया था, और ऐसे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, वैसी कोशिश डाकिये उस चिट्ठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। हो सकता है शायद आज भी YouTube पर ये मूवी हो तो जरूर आप देखिएगा। और उन पत्रों में कितनों का दुलार था, संदेश था, चिंता थी, शिकायतें थी। चिट्ठियों में आत्मीयता ही उसकी आत्मा होता है। आज भी मुझे
सैकड़ों की संख्या में हर रोज चिट्ठियां मिलती हैं। पोस्ट विभाग का भी काम बढ़ गया है मैं जब से आया हूं। कोई चिट्ठी तब लिखता है ना जब उसको भरोसा हो। और मेरा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसको लेकर के भी हर महीने हजारों चिट्ठियां आती है। ये पत्र लोगों के साथ मेरा सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जब वो चिट्ठियां पढ़ता हूं तो लगता है कि लिखने वाला सामने ही है, अपनी बात सीधे मुझसे कह रहा है। साथियों, हमारी सरकार की अप्रोच समय के साथ चलते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव की है। हम वो पुरातनपंथी नहीं है, हम समय के साथ बदलने वाले लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं। देश की, समाज की, समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के पक्ष में है। जीएसटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसे अनेक प्रयासों की कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अब जुड़ गया है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ने वाली नहीं, बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और माध्यम भी बदले हैं, भले बदले हो, लेकिन मकसद तो अब भी वही है। अंतर्देशीय पत्र या इनलैंड लेटर की जगह अब भले ईमेल ने ले ली हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। और इसलिए जिस टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ऑफिस को चुनौती दी, क्योंकि लोगों को लग रहा था अब ये डाक विभाग रहेगा नहीं रहेगा, डाकिये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, चर्चा चल रही थी। टेक्नोलॉजी ने जो चुनौती दी, उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदलने की तरफ आ रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक डाकघर है, इनमें से भी 1.25 लाख से अधिक सिर्फ गांव में ही है। 3 लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक देश के जन जन से जुड़े हुए हैं। इतने व्यापक नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 21वीं सदी में सेवा का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बनाने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। अब डाकिये के हाथ में स्मार्टफोन है और उसके थैले में, उसके बैग में एक डिजिटल डिवाइस भी है। साथियों, एकता, समानता, समावेश, सेवा और विश्वास का प्रतीक ये पोस्ट पेमेंट बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है। आईपीपीबी में बचत खाते के साथ साथ छोटे से छोटा व्यापारी अपना काम चलाने के लिए चालू खाता भी खोल सकता है। यूपी और बिहार का जो कामगार मुंबई या बेंगलुरु में काम कर रहा है वो आसानी से पैसा अपने परिवार को भेज पाएगा, दूसरे बैंक खातों में पैसा भी वो ट्रांसफर कर सकता है। सरकारी सहायता का पैसा मनरेगा की मजदूरी के लिए भी इस खाते का उपयोग वो आसानी से कर सकता है। बिजली और फोन के बिल जमा करने के लिए भी उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, दूसरे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर पोस्ट पेमेंट बैंक ऋण भी दे पाएगा। निवेश और बीमा जैसी सेवाएं भी
अपने ग्राहकों को पहुंचाएगा। सबसे अहम बात यह है कि सभी सेवाएं बैंक के काउंटर के अतिरिक्त घर आकर डाकिए देने वाले हैं। बैंक से संवाद, डिजिटल लेन देन में जो भी मुश्किलें अभी तक आती थी उनका समाधान भी डाकिए के पास रहेगा। आपने कितने पैसे जमा किए थे, आपको कितना ब्याज मिला, कितने पैसे आपके खाते में बचे हैं, ये सब अब घर बैठे बैठे डाकिया बता देगा। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि गांव, गरीब, मध्यम वर्ग का विश्वस्त सहयोगी सिद्ध होने वाला है। अब आपको अपना खाता, अपने खाते का नंबर याद रखने की, किसी को पासवर्ड बताने की भी जरूरत नहीं है। ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुए इस बैंक की सारी प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया गया है। इस नए बैंक में कुछ ही मिनटों में आपका खाता खुल जाएगा, और हमारे मंत्री जी कहते थे ज्यादा से ज्यादा एक मिनट। इसके साथ ही खाताधारक को एक QR कार्ड दिया जाएगा, जो मुझे अभी दिया गया क्योंकि मेरा भी खाता खुल गया है। जो खाता नहीं है वो भी खाता तो रखता है। आपको आपको हैरानी होगी, हमारे जीवन में बैंक अकाउंट का कभी नाता नहीं आया, लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे तो देना बैंक की एक स्कीम थी, वो एक गुल्लक देते थे बच्चों को और एक अकाउंट खोलते थे, तो हमें भी दिया, लेकिन हमारा तो वो खाली रहा हमेशा। बाद में हम गांव छोड़ के चले गए, लेकिन बैंक अकाउंट खाता बना रहा, और बैंक वालों को हर साल उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था। अब बैंक वाले मुझे ढूंढ रहे थे खाता बंद करने के लिए, मेरा कोई अता पता नहीं था। करीब 32 साल के बाद उनको पता चला कि मैं कहीं आया हूं, तो बैंक वाले वहां बेचारे आए, बोले भाई सिग्नेचर कर दो, अभी तुम्हारा खाता बंद कर रहा है। खैर बाद में जब गुजरात में MLA बना तो तनख्वाह आने लगा, तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, लेकिन उसके पहले कभी नाता ही नहीं आया था, और आज पोस्ट वालों ने एक और खाता खोल दिया। देखिए, डाकिया सिर्फ डाक पहुंचाता था ऐसा नहीं, जो परिवार पढ़े लिखे नहीं होते थे तो डाकिया बैठ करके डाक खोल करके पूरी पढ़ाई सुना करके जाता था। फिर वो बूढ़ी माँ कहती थी कि बेटा, बेटे को जवाब लिखना है तो कल तुम एक पोस्ट कार्ड ले आना और मैं जवाब बताऊंगी। तो दूसरे दिन वो डाकिया पोस्ट कार्ड भी लेके आता था, और वो माँ लिखवाती थी, वो लिख देता था और पहुंच जाता था। यानी कैसी आत्मीय व्यवस्था, वही टेक्नोलॉजी का काम मेरा डाकिया फिर से एक बार करेगा। यानी एक QR कार्ड, आपकी उंगली का निशान और डाकिया की जुबान बैंकिंग को आसान और हर आशंका का समाधान करने वाली है। साथियों, गांवों में सबसे मजबूत नेटवर्क होने की वजह से IPPB किसानों के लिए भी एक बड़ी सुविधा सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को इससे विशेष बल मिलेगा। क्लेम को समय पर सेटल करना हो,
या किसानों को इस स्कीम से जोड़ना हो, निश्चित रूप से इस बैंक से लाभ होने वाला है। पोस्ट पेमेंट बैंक के बाद अब योजनाओं की क्लेम राशि भी घर बैठे ही मिला करेगी। इसके अलावा ये बैंक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम पर पैसा बचाने की मुहिम को भी गति देगा। भाई और बहनों, हमारी सरकार देश के बैंकों को गरीब के दरवाजे पर लेकर आ गई है, वरना 4-5 साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बैंकों का अधिकांश पैसा सिर्फ उन्हीं इने गिने लोगों के लिए रिजर्व रख दिया गया था जो किसी एक परिवार के करीबी हुआ करते थे। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2008 तक, यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे, 1947 से लोन के तौर पर दी थी 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में। लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ, 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। ले जाओ, बाद में मोदी आएगा रोएगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था उसका लगभग 2 गुना लोन पिछली सरकार के 6 साल में। तेरा भी भला मेरा भी भला। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अने नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था। बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को जट से अरबों खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम सारे कायदा कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलीफोन। कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह भी उठता है कि बैंकों ने इस तरह की फोन बैंकिंग से मना क्यों नहीं किया? साथियों, आपको ये पता है कि उस समय बैंकों में नामदारों के आशीर्वाद से ही अधिकांश लोगों की नियुक्ति होती थी। नामदारों के प्रभाव की वजह से ही बैंक के बड़े बड़े दिग्गज भी लोन देने से मना नहीं कर पाते थे। 6 साल में लगभग 2 गुना लोन देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। बैंकों ने ये जानते हुए भी कि
कि उनके द्वारा दिए गए लोन की वापसी मुश्किल होगी। बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, पता है नहीं आएगा दो। इतना ही नहीं, जब ऐसे लोग कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने लगे तो बैंकों पर फिर से दबाव आया, उन्हें नए लोन दीजिए। और ये गोरखधंधा, ये चक्र लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हुआ। यानी एक बार लोन ले लिया, फिर जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब उसको फिर से वो मांग रहा है तो क्या दूसरा दो तो मैं देता हूं, वो देता है ये देता है ये देता है ये देता है, वही चक्र चलता था। जो लोग इस गोरख धंधे में लगे थे उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि एक ना एक दिन उनकी पोल जरूर खुलेगी। और इसलिए उसी समय से हेरा फेरी की एक और साजिश साथ साथ रची गई। बैंकों का दिया कितना कर्ज वापस नहीं आ पा रहा, इसके सही आंकड़े देश से छिपाए गए, देश को अंधेरे में रखा गया। यानी जो लाखों करोड़ रुपए फंसे थे उसे कागजों पर सही तरीके से नहीं बताया गया, छुपाया गया, देश से झूठ बोला गया कि सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए हैं जो आना बाकी है और शक है आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस समय देश में बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे थे उस समय पिछली सरकार ने सारी मेहनत अपने ये सबसे बड़े घोटाले को छिपाने में लगाई हुई थी। बैंकों में कुछ खास लोग भी इसमें नामदारों की जरा मदद कर रहे थे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सारी सच्चाई सामने आने लगी। तब बैंकों से कड़ाई से कहा गया कि सही सही आकलन करके उनकी कितनी राशि इस तरह का लेन देन और उतना उनका लोन देना बाकी है, कितने रुपए फंसे हुए हैं, सारी जानकारी लाओ। 6 साल में जो अथाह राशि दी गई उसकी सच्चाई ये है कि जिस राशि को पिछली सरकार सिर्फ 2-2.5 लाख करोड़ बता रही थी वो दरअसल 9 लाख करोड़ रुपया थी। चौंक जाएगा देश आज सुनकर के, देश के साथ कितना धोखा किया गया, देश के सामने कितना झूठ बोला गया। हर रोज ब्याज की रकम जुड़ने की वजह से ये दिनों दिन और बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा क्योंकि ब्याज तो जुड़ना ही जुड़ना है, बैंक का अपना कागजी काम तो करेगा ही करेगा। साथियों, 2014 में सरकार बनने के कुछ समय बाद ही हमें एहसास हो गया था कि कांग्रेस का और ये नामदार देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी लैंडमाइन बिठा करके गया है। अगर उसी समय देश और दुनिया के सामने इसकी सच्चाई रख दी जाती तो ऐसा विस्फोट होता कि अर्थव्यवस्था शायद संभालना मुश्किल हो जाता, इतनी बर्बादी करती। इसलिए बहुत एहतियत के साथ बड़ी बारीकी से काम करते करते इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम दिन रात लगे रहे। भाइयों और बहनों, हमारी ही सरकार एनपीए की सच्चाई पिछली सरकार के इस घोटाले को देश के सामने लेकर के आई है। हमने केवल बीमारी का पता ही नहीं लगाया बल्कि उसके कारण की भी तलाश की और उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पिछले 4-4.5 साल में 50 करोड़ से बड़े सभी लोन्स की समीक्षा की गई, लोन की शर्तों का बड़ी कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कानून बदले, बैंकों के मर्जर का निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ावा दिया,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भगोड़े अपनी संपत्ति की नीलामी में खुद भाग न ले सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। बड़े लोन लेने वालों के पासपोर्ट डिटेल भी अब सरकार के कब्जे में रखना तय कर लिया है, ताकि देश छोड़कर भागना उनके लिए आसान न हो। बैंकरप्सी कोड और एनसीएलटी द्वारा एनपीए की रिकवरी शुरू हुई है। 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स जिनको 2014 के पहले लोन दिया था, जिसके एनपीए की राशि करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए हैं, उनके खिलाफ तेज गति से कार्रवाई चल रही है और उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसी प्रकार उन 12 के अलावा और दूसरे 27, वो भी बड़े बड़े लोन खाते वाले हैं, जिनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है। इनकी वापसी का भी इंतजाम बहुत पक्के तरीके से हो रहा है। जिनको लग रहा था कि नामदारों की सहभागिता और मेहरबानी से उनको मिले लाखों करोड़ रुपया हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे, हमेशा इनकमिंग ही रहेगा, अब उनके खाते से आउटगोइंग भी शुरू हुआ है। देश में एक नया बदलाव आया है, अब एक नया कल्चर आया है, कल्चर बदल रहा है। पहले बैंक इनके पीछे पड़ते थे, अब हमने कानून की जाल ऐसी बनाई है कि अब वो रिपेमेंट करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, कुछ करो भाई, थोड़ा ले लो, अभी थोड़ा अगले महीने दे दूंगा, कुछ बचा लो मुझे। अब ये खुद बैंक के पीछे दौड़ने लगे हैं, पैसा वापस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिनों दिन मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था के साथ ही अब ऐसे लोगों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा और कसने जा रहा है। और मैं देश को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सारे बड़े लोनों में से एक भी लोन इस सरकार का दिया हुआ नहीं है। हमने तो आने के बाद बैंकों की दिशा दोनों में निरंतर बदलाव किया है और आज का यह आयोजन भी उसी का एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले नामदारों के आशीर्वाद से बड़े लोगों को ही कर्ज मिलता था, अब देश के गरीब को बैंक से कर्ज मिलना हमारे डाकिये के हाथ में आ गया है। पिछले 4 साल में मुद्रा योजना के माध्यम से 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज स्वरोजगार के लिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को दिया गया है। 32 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 21 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सिर्फ 1 रुपया, महीने का 1 रुपया और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर बीमा और पेंशन का सुरक्षा कवच भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, देश की अर्थव्यवस्था को जिस लैंड माइन पर नामदारों ने बिठाया था, उस लैंड माइन को हमारी सरकार ने निष्क्रिय कर दिया है। देश आज एक नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक तरफ इस एशियन गेम्स में भारत ने अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिखाई हमारे खिलाड़ियों ने, तो दूसरी तरफ कल देश को अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से भी एक नया मेडल मिला है। जो आंकड़े आए हैं वो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और उसमें आते आत्मविश्वास के प्रमाण है। 8.2% की दर से हो रहा विकास
भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है, एक नए भारत की उज्जवल तस्वीर को सामने लाता है। ये आंकड़े न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि सभी जो एक्सपर्ट लोग हैं अनुमान लगाते थे उससे भी ज्यादा अधिक है। जब देश सही दिशा में चलता है और नीयत साफ होती है तो ऐसे ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, ये मुमकिन हुआ है 125 करोड़ देशवासियों की मेहनत से, लगन और कमिटमेंट के कारण। हमारे युवाओं, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे मजदूर, ये हम सबका, उन सबके पुरुषार्थ का परिणाम है कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत न केवल विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है बल्कि सबसे तेजी से गरीबी मिटाने वाला देश भी बना है। जीडीपी के आंकड़े गवाह है कि नया भारत अपने सामर्थ्य के बूते 125 करोड़ भारतीयों के संघर्ष और समर्पण के दम पर आगे बढ़ रहा है। मैं देश को फिर कहना चाहूंगा कि बैंकों का जितना भी पैसा नामदारों ने फंसाया था उसका एक एक रुपया वापस लिया करके ही रहने वाले हैं। उससे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आईपीपीबी और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार सेवा, पासपोर्ट सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी अनेक सुविधाएं गांव गांव, घर घर तक और प्रभावी तरीके से पहुंचने वाली है। यानी सबका साथ सबका विकास के रास्ते को हमारा डाकिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सशक्त करने के लिए अब एक नए रूप में देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस विराट मिशन को गांव गांव, घर घर तक, किसान तक, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए देश के 3 लाख डाक सेवक कटिबद्ध होकर के तैयार है। डाक सेवक लोगों को डिजिटल लेन देन में ना सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे ताकि भविष्य में वो अपने फोन से खुद बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सके। इस तरह अब हमारे डाक बाबू ना सिर्फ बैंकर होंगे बल्कि देश के डिजिटल टीचर भी बनने वाले हैं। देश की सेवा करने वालों की इस भूमिका को देखते हुए बीते महीनों में सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने जुलाई में ही ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों से जुड़ी पुरानी मांग को पूरा किया है। इसका लाभ देश के 2.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। पहले उन्हें जो समय संबंधी भत्ता मिलता था उसमें दर्जन वर्ष लैब होती थी, अब इसे भी घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें जो भत्ता 2 से 4 हजार के बीच मिलता था उसे बढ़ाकर 10 हजार से 14 हजार के बीच कर दिया गया है। वो जिस मुश्किल परिस्थिति में काम करते हैं उसे देखते हुए एक नए भत्ते की भी शुरुआत की गई है। जो महिला ग्राम डाक सेवक है उन्हें पूरे वेतन के साथ 180 दिन यानी 6 महीने के मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रयासों की वजह से ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन में औसतन 50% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मुझे बताया गया है कि डाक सेवकों के रिक्त पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। ये फैसले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हमारे सबसे मजबूत प्रतिनिधि को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। साथियों,
आज देश के 3000 से अधिक स्थानों पर ये सेवा शुरू हो रही है। और जैसे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे, आने वाले कुछ ही महीनों में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस इस सुविधा से जुड़ जाएंगे। न्यू इंडिया की इस नई व्यवस्था को देश के मजबूत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मदद मिलेगी। देशवासियों को इस नई व्यवस्था के लिए, नए बैंक के लिए, नई सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ मैं फिर एक बार डाक के सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पोस्टल डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी, इस बैंक से जुड़े हर व्यक्ति को मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मनोज सिन्हा जी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनका IIT का बैकग्राउंड इस काम में मुझे बहुत मदद की है, टेक्नोलॉजी ने भरपूर मदद की है और इसके लिए मंत्री जी को भी नेतृत्व देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का शुभारंभ जो कार्यक्रम है ये यहीं पर संपन्न होता है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक श्यामला मातरं वंदे भाषिनी सुखदा वरदा मातरम वंदे 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 मातरम अब लखन मात वाले।